हेलो। चैप्टर 3 का पार्ट बी सॉल्यूशन। इट टॉक्स अबाउट सॉल्यूशन। हमने देखा था चैप्टर के 3 क्लासिफिकेशंस थे, वाटर के ऊपर, दूसरा सॉल्यूशन के ऊपर, हाइड्रेशन के ऊपर ही था। तीसरा सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक ये वाला है, ये टॉपिक ये वाला है और वाटर वाला भी था। अभी सॉल्यूशन वाला थोड़ा ज्यादा ही केमिकल हो गया है, इसमें केमिकल मिक्स हो गए सारे। केमिकल चैप्टर आ गया टॉपिक। 2 सेकंड रुकना। रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, चल तो रही है। ठीक है। सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस होते क्या हैं बेसिकली थोड़ा डिस्कस करें हम पहले। इसमें सॉल्यूशंस क्या होती हैं, बहुत इजी में नहीं है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग क्या था। सिंपल सा मीनिंग, एक मिक्सचर, एक तो सिंपल सा मिक्सचर। पहला क्या मिक्सचर, ये तो रफ मीनिंग होता है सॉल्यूशन मतलब का मिक्सचर। अब मिक्सचर किसका, मिक्सचर किसका, बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर मिक्सचर से मतलब है कि कोई भी चीज़ लिक्विड में मिक्स हो, कोई भी चीज़ किसमें मिक्स हो, लिक्विड में। अगर कोई भी चीज़ लिक्विड मटेरियल में, अच्छा वाटर हो, ऑयल हो, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो जो लिक्विड फॉर्म में, जो किसमें है लिक्विड फॉर्म में, अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ मिक्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। तो उसमें मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। और जनरली अब जी वाले टॉपिक बात करें, बात कर रहे हैं किसी और लिक्विड की नहीं, सिंपल वाटर की, सिंपल वाटर की। करनी पड़ जाती है, विंडो क्लोज करनी पड़ जाती है ना, आस पड़ोस से नॉइज आता है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब समझ आएगा मिक्सचर, मिक्सचर। और एक बात क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर। अब बेसिकली बात करें कि वाटर के अंदर है ना, वाटर के अंदर क्या क्या मिक्सचर हो सकते हैं, या वाटर के अंदर की जो मिक्सचर की बात है उसके बारे में बताएंगे। तो अभी सॉल्यूशन का जो मैंने आपको मीनिंग बताया था, वो मीनिंग था एक रफ मीनिंग, वो मीनिंग थे रफ मीनिंग सर, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं था क्या वो, नहीं वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं था। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता, एग्जैक्ट कोई हम उसमें बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड ऐड करना पड़ेगा, वो क्या सर, मिक्सचर होना चाहिए, लेकिन मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस सर, होमोजीनियस क्या होता है मीनिंग पता है आपको इसका, दो वर्ड होते हैं, एक तो लिखो ये होमोजीनियस, ठीक, और एक वर्ड होता है हेटरोजीनियस, होमो और हेट्रो, ठीक है, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। होमोजीनियस ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड। थोड़ा सा नॉइस को इग्नोर करना, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑफ सेम काइंड, ठीक है। और हेटरोजीनियस का मतलब होता है ऑफ डिफरेंट काइंड, ऑफ डिफरेंट काइंड। ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है, ऑफ डिफरेंट काइंड।
मतलब क्या है? मतलब क्या इसका? यहाँ पे तो मिक्सर की बात करें, मिक्सर कैसे होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं वाटर के अलावा, वाटर के अंदर जितने भी अलग कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो सारे होमोजीनियस होने चाहिए। वो सारे कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए, यानी कि सेम काइंड के होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए। सर अब यहाँ पे सेम काइंड के होने का मतलब क्या है? यहाँ पे सेम काइंड के होने का मतलब क्या है हम आगे समझेंगे, अभी नहीं आगे थोड़ा सा समझेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे समझना, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझना। थोड़ा सा मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर एक सेम काइंड का मिक्सचर है ना, तो उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। वो जो कंपोजिशन में भी ग्रेजुअली चेंज होगा, चेंज होगा रिलेटिव अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट, वो कह रहा है ठीक है। दो हो सकते हैं, फिर उनका जो कंपोजिशन जो बनेगा, कंपोजिशन मतलब क्या? आपने वाटर के अंदर कोई चीज़ डाली तो जो बनेगा उसको कंपोजिशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं वो जो कंपोजिशन ना वो चेंज भी हो सकता है सर। चेंज कैसे हो सकता है? चेंज हो सकता है ना, चेंज हो सकता है। अब वो कैसे चेंज हो सकता है? बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कॉम्पोनेंट्स। अगर आपने कॉम्पोनेंट्स की क्वांटिटी चेंज कर दी, यहाँ पे अमाउंट का मतलब क्वांटिटी से, अगर आपने कॉम्पोनेंट्स की क्वांटिटी चेंज कर दी तो वो कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। मिल्क और शुगर ले लो, मिल्क और शुगर ले लो, मिल्क आपका लिक्विड है ना, मैं वाटर की बात ही नहीं कर रहा। चलो वाटर और शुगर ही ले लो, बहुत अच्छा, वाटर और शुगर ले लो। एक वाटर और एक शुगर है, वाटर एक सॉल्यूबल है, शुगर एक कॉम्पोनेंट है। और अगर मैं शुगर को उसमें डालता हूँ, अब सपोज करो एक गिलास है हमारे पास 200 ml का, 200 ml का गिलास है जिसके अंदर 100 ml वाटर है, 200 ml का गिलास है, 100 ml क्या है? वाटर है। उस 100 ml के अंदर हमने 20 ग्राम्स 20 ग्राम्स 20 mg का डाल दिया हमने, 20 ग्राम्स हमने वो डाल दिए, मिलीग्राम्स है मिलीग्राम्स के बाद 20 ग्राम्स का डाल दी, शुगर डाल दी, तो जो कंपोजिशन बनेगा वो कैसा बनेगा? सर वो कंपोजिशन ऐसा बनेगा सर, पानी का जो वॉल्यूम है वो तो थोड़ा सा तो कम हो जाएगा, मतलब क्या पानी की जो थिकनेस थी, पानी की थिकनेस थोड़ी भर जाएगी क्योंकि शुगर खाली जगह पर जाके मिक्स हो जाएगा, तो वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और पानी पानी ही रहेगा, लिक्विड रहेगा, मीठा हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन सपोज करो पूरे गिलास से अगर मैं शुगर पूरे गिलास तो क्या सपोज पानी पानी में रहेगा तो चासनी बन जाएगी, तो इतना इतना थिक हो जाएगा, इतना थिक हो जाएगा पानी लगेगा ही नहीं, वो तो ऐसा रहेगा गम जैसा, ऐसा एकदम जैसा। तो मैंने केवल क्वांटिटी चेंज की, मैंने अमाउंट ऑफ कंपोनेंट चेंज किया केवल, तो उससे पूरा कंपोजिशन ही क्या हो गया? चेंज हो गया। तो वैसा कह रहे हैं कैसे हमारा कंपोजिशन चेंज हो सकता है? सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूबल सॉल्वेंट मतलब क्या? कोई भी मटेरियल जिससे सॉल्यू जिसके अंदर चीज़ें सॉल्वेंट हो पाए, तो उसको तो सॉल्वेंट होने पानी होना चाहिए, तो लिक्विड चीज होनी चाहिए। और सॉल्यूट मतलब क्या? कॉम्पोनेंट सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल है ना, कोई भी लिक्विड है ना, कोई भी लिक्विड क्या हुआ है? सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट क्या चीज है? रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन एक मीडियम क्या कर है ना, मोर कॉम्पोनेंट यानी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स को डिसॉल्व करने में इन एट, इन एट मतलब क्या? यानी कि ऐसा अपने अंदर ही जो अपने अंदर ही जो अपने अंदर ही चीजों को सॉल्यूशन, ताकि एक सॉल्यूशन बन जाए, ताकि एक मिक्सचर बन जाए, ताकि क्या बन जाए? मिक्सचर बन जाए, ठीक है। तो ऐसे मीडियम को कहा जाएगा, ऐसे मीडियम को मीडियम वाटर हो सकता है, ये मीडियम सॉलिड हो सकता है, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है ना, कोई मतलब सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, जनरली ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है,
सॉल्यूट मतलब क्या, दाल हो गई, वो सेंसेस जो आप डालोगे वो कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट्स की बात करें ना, ये सॉल्यूट हो गए। तो कहता सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स, सर वो सब्सटेंस वो कंपोनेंट्स जो आप इसमें डिजॉल्व करोगे, सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स जो डिजॉल्व होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सॉल्यूट बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो आई थिंक आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मीनिंग क्लियर है, तो आपको तीन वर्ड अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, सॉल्यूशन का मीनिंग, फिर सॉल्यूशन के इक्वेशन के बना सॉल्यूट और सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट, तीनों चीज़ में क्लियर है। यानी आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्रैक्स अगर मैं बताऊँ तो हमने केवल ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है, अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी है, और ये तीनों के टर्म्स आपको क्लियर है। इक्वेशन समझ में आया, इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है सर, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूशन तब बनेगा जब वो मीडियम और उस मीडियम में वो कंपोनेंट्स मिक्स होंगे, ठीक है, जब वो मीडियम मतलब सॉल्वेंट और वो कंपोनेंट यानी सॉल्यूट, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स होंगे तब जाकर सॉल्यूशन बनेगा। तो एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के टाइप्स हेडिंग लिखना, सब पेंसिल से तो लिख लो, यहाँ पे भी सब टाइप, यहाँ पर टाइप्स बता रहा है, अपने रेफरेंस के लिए बुक में अपने आप जाए करो, जाए करो, पढ़ना आपको किसी और को नहीं पढ़ना, आपको दिखाना नहीं कि हाँ मेरी कॉपी एकदम एकदम ब्लैंक, एकदम पूरी, एकदम नहीं, एकदम न्यू, तो क्या मतलब नहीं है, उसको नोटिंग करते जाए करो, पढ़ा करो उसको। अ सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी ये मिक्सर की बात करें, मिक्सर के ये मिक्सर अगर दो तरह के कॉम्पोनेंट से मिलकर बनाए तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे उसको, बाइनरी। बेसिकली मैं कुछ वर्ड्स बता दूँ, लिख लो कहीं पे, बाइनरी में बाय का मतलब टू होता है, टर का मतलब थ्री होता है, क्वार्टर का मतलब फोर होता है, ठीक है, वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग हो, जिनको बोलते हैं रूट वर्ड, जो हमारे इंडिया में नहीं सिखाए जाते, ठीक है। अब मैंने आपको रूट वर्ड सिखा दिए, मैंने आपको बता दिया कि बाय का मतलब टू होता है, टर का मतलब थ्री होता है, क्वार्टर का मतलब फोर होता है, पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, रूट वर्ड्स इसलिए हेल्प करते हैं, रूट वर्ड आपको बहुत एडवांस नॉलेज देते हैं किसी वर्ड्स के। मैंने आपको बता दिया कि इसका टर होता है तो आप समझ गए ऑलरेडी, कि टर मतलब जो थ्री कॉम्पोनेंट से मिलकर बना, क्वार्टर मतलब क्या है, जो फोर कॉम्पोनेंट से मिलकर बना, क्योंकि क्वार्टर का मतलब फोर होता है, आपको बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी, तीन तरह के सॉल्यूशन आपको पता चल गए, ठीक है। हेयर वी शैल डील विद बाइनरी सॉल्यूशंस ओनली, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम इसके बिल्कुल दो केवल बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, सही है ना। अभी स्टार्टिंग में आपने सॉल्यूशन के बारे में पहले और आप पढ़ रहे हो डिटेल में, उसमें भी अपने एडवांस ले, दो दो तीन तीन चार चार मटेरियल, दो दो चार चार कॉम्पोनेंट, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो आपसे कह रहे हैं कि दो से स्टार्ट करते हैं, पहले दो से पढ़ो, बाद में तीन चार पढ़ लेंगे, पहले दो से स्टार्ट करो, ये दो कॉम्पोनेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो बाइनरी सॉल्यूशन बनता है हम उसके अंदर पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक चीज और, एक चीज और सर, ये सॉल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे सर, वो दो कंपोनेंट मतलब क्या, तो दो कंपोनेंट का मतलब पता है क्या है, मैं अगर कंपोनेंट का मीनिंग, कंपोनेंट्स का मीनिंग, तो कंपोनेंट्स का मीनिंग लिख लो जरा सही करके, कंपोनेंट्स का अगर मैं मीनिंग लिखूँ तो कंपोनेंट्स का मतलब मैं कंपोनेंट का मीनिंग नहीं लिखवा रहा, कंपोनेंट का मीनिंग लिखवा रहा, ठीक है, सॉल्वेंट यानी जब भी कंपोनेंट्स वर्ड लिखे आए ना, तो सुना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा एडवांस तो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड ओपन करने के लिए, बाइनरी जब हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे, कौन से होंगे सर, दोनों सॉल्यूट, कौन से होंगे सर, दोनों सॉल्यूशन तो हो नहीं सकते, दोनों सॉल्यूट, दोनों सॉल्वेंट हो सकते हैं, दोनों सॉल्वेंट हो सकते हैं, तो सर यहाँ पर तो कंपल्सरीली एक सॉल्वेंट कि कम से कम दोनों का होना जरूरी है, और सर दो ही यहाँ पे कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, दोनों का ईच है ना, दोनों क्या होंगे, एक एक होंगे, लेकिन बात है टर्नरी के, क्वार्टरनरी के, तो टर्नरी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं सर, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे पता है क्या कंपोनेंट बनेगा, छोटा सा एक सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट,
सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट है, दो सॉल्यूट है, एक पानी में पानी आपने एक तरह से दो सॉल्यूट है, दो सॉल्वेंट है, सब होता है वाटर में आपने आपको वाटर ले जाके मेरे पास शुगर हो गया, मेरे पास शुगर होगा, आपने वाटर भी मिलाया, आपने शुगर भी मिलाया, आपने मिल्क भी मिलाया, दो सॉल्वेंट हो गए, तो चाय बना ली आपने उसमें, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? ठीक है, कॉम्बिनेशन एकदम बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन सॉल्वेंट जनरली क्या होते हैं, लिक्विड जनरली क्या होते हैं, लिक्विड गैस भी होती हैं, गैस भी होती है, पर जनरली क्या होते हैं, लिक्विड, कभी कभी गैसेस भी होती हैं, गैसेस भी होती हैं, पर जनरली हम बात करें लिक्विड्स की, केवल है ना, अभी हम बात करेंगे लिक्विड्स की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में लिखा हुआ है यहाँ पे किस में क्या क्या होंगे, कंपोजर आप सॉलिड से सॉलिड होगा, हम लोग सकते हैं सॉलिड होगा, लिक्विड की कैसे होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट क्रिस्टल्स डिजॉल्व, सॉल्ट व्हेन सॉल्ट क्रिस्टल्स डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं सेलेन वाटर नमकीन पानी बनाने के लिए, तो सॉल्ट है ना, सॉल्ट सॉल्ट को कैसे क्लासिफाई करेगा, सॉल्यूट, वो सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। और जिसके थ्रू हो पा रहा है, वो जिसके थ्रू हो पा रहा है, जिस मीडियम के थ्रू हो पा रहा है, जिस मीडियम के थ्रू डिजॉल्व हो पा रहा है, तो वो मीडियम वाटर, वो मीडियम क्या है, वाटर, तो वाटर कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, सॉल्वेंट। और सर ये जो इन दोनों का जो कंपोजिशन जो बना है, जो कंपोजिशन जो बना है सेलिन वाटर, उस कंपोजिशन को क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन। इसलिए क्लियर हो गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी था, कोई डिफिकल्टी हो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, देन द सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट व्हिच एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द फाइनल सॉल्यूशन। तो समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है, वो फिर एज द कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट मतलब मैंने आपको बता दिया, कॉम्पोनेंट मतलब दूसरी रहेंगी आपकी, कम से कम तो दो चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें आएंगी, वो उनका कॉम्बिनेशन खुश हो सकता है, दो चीज़ें आएंगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वो कह रहा है अगर कॉम्पोनेंट्स इफ को द कॉम्पोनेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, तो जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो दोनों अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग स्टेट में है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दो, वाटर का सॉल्ट क्रिस्टल से, इसलिए सॉल्ट क्रिस्टल से ले लें एग्जाम्पल, वाटर सॉल्ट क्रिस्टल, तो वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और जो सॉल्ट क्रिस्टल था वो कैसा था, सॉलिड फॉर्म, दोनों अलग अलग थे, हाँ दोनों अलग अलग थे, दोनों का इस फिजिकल स्टेट डिफरेंट थी। तो वो कह रहे थे सॉल्वेंट होगा ना, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज दैट कॉम्पोनेंट, तो सॉल्वेंट ना वो कॉम्पोनेंट होगा सॉल्वेंट। अब आप कैसे पता लगाओगे कि किसको हम सॉल्वेंट बोले, वो बोल दे आपके सामने कोई, वो अब जैसे आपको पता है कि ये तो मैंने आपको बोल दिया कि जनरली लिक्विड ही आपका सॉल्वेंट होगा, जनरली लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, बट सपोज करो कि ऐसा एक अननोन, एक ये तो अभी तक हमने जितने रिसर्च की उसके बेसिस में पता है कि जनरली लिक्विड ही होती है सॉल्वेंट, कोई डिस्कवरी, हमें कोई नया एलिमेंट मिला, हमें कोई नया सब्सटेंस मिला, हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में ना हो, पर फिर भी उसके अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी हो, तो ऐसा हो सकता है ना। तो वो बेसिकली एग्जैक्ट मीनिंग बता रहे हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो सॉल्वेंट को, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सॉल्वेंट को, ये नहीं कि आपने आंखों सर के बोल दिया कि जो भी लिक्विड मटेरियल है हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, नहीं, जो लिक्विड फॉर्मेट है हम उसको सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे। उसकी एक ट्रिक है, उसकी ट्रिक क्या है, मतलब उसका एक तरीका है, जिसमें तो तरीका ये बताएगा इसके अंदर, लिक्विड में आपका बिजनेस आता हो, हाउ टू फाइंड सॉल्वेंट, हाउ टू फाइंड सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या बताएगा, हाउ टू फाइंड सॉल्वेंट, पॉज करके लिखते जाना, ठीक है। तो वो कह रहे आपको सॉल्वेंट पता करना है, तो वो कह रहा है अगर आपके पास दो कंपोनेंट है अलग अलग स्टेट में, आपको अलग अलग स्टेट में आपको पता नहीं, तो आपको पता नहीं कि इसमें से कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा नहीं। सपोज करो मैंने आपको नहीं बताया लिक्विड के बारे में, मैंने आपको पता लिक्विड के बारे में कि लिक्विड सॉल्वेंट होता है, तो सर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सब्सटेंस सॉल्वेंट है, सब वाटर क्रिस्टल सॉल्वेंट है फिर वाटर सॉल्वेंट है, वो सॉल्ट क्रिस्टल सॉल्वेंट है या फिर वाटर सॉल्वेंट है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे,
तो आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखा कि हम सॉल्वेंट उसको बोलेंगे, सॉल्वेंट हम उसको बोलेंगे, हम सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को बोलेंगे जिसकी स्टेट है सॉल्यूशन से मिलती है, जिसकी स्टेट है फाइनल सॉल्यूशन से मिलती है। यानी कि अब हम देखेंगे इसमें सॉल्यूशन बेस्ट मिला, हमने वाटर लाया और सॉल्ट सिस्टम लाया, मैं नहीं पता कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूशन, मैं नहीं पता, पर हमें पता लगाना है कौन सा सॉल्वेंट है। तो हम पहले दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों मिक्स कर देंगे, फिर हम देखेंगे दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन क्या है। तो मैं मम्मी को फाइनल सॉल्यूशन के बारे में लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लिक्विड स्टेट में, तो देखो लिक्विड स्टेट की सब्सटेंस की थी। अब उल्टा जाओ, अब उल्टा जाओ, अब देखो लिक्विड स्टेट किसकी थी, तो आपने देखो लिक्विड स्टेट था वाटर की थी सॉल्ट की नहीं, तो आपने सुन लिया लिक्विड स्टेट था तो वाटर की, तो वाटर आपको क्या कहलाएगा सॉल्वेंट, वाटर क्या कहलाएगा आपको सॉल्वेंट। यानी कि हम पहले देखते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन था, फाइनल सॉल्यूशन उस फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट क्या है, फाइनल सॉल्यूशन की जो स्टेट है, फिर देखो क्या वही सेम स्टेट किसी और कंपोनेंट की है, अगर वही सेम स्टेट अगर किसी और कंपोनेंट की है तो वही कंपोनेंट क्या कर रहा है सॉल्वेंट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर शुगर की बात करें, शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, हमने शुगर को वाटर डिजॉल्व किया, हमें नहीं पता सर कि शुगर क्या है वाटर क्या है, हमें नहीं पता, तो हम बस हमें इतना दोनों अलग समझा, वाटर लिक्विड फॉर्म में शुगर सॉलिड फॉर्म में, पर हमें ये नहीं पता कि वाटर हमारा सॉल्वेंट है या शुगर हमारा सॉलिड है, नहीं पता। सॉल्यूशन एक्चुअली का टर्म सॉल्यूशन एक्चुअली मीन्स ट्रू सॉल्यूशन, अरे कुछ नहीं बता रहा, अच्छा ये हाँ सिंपल बता रहा है, कह रहा है देन द फाइनल सॉल्यूशन इज लिक्विड सॉल्यूशन। अगर दोनों को मिला सकते हैं जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो आप आइडेंटिफाई करो जो आपने सब्सटेंस मिलाई थी उनमें लिक्विड फॉर्म में कौन सा सब्सटेंस था, तो आपने देखा कि उसमें लिक्विड फॉर्म में तो वाटर था, तो वाटर था, तो वाटर आपकी हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो रिमेनिंग एरिया बचा, जो रिमेनिंग सब्सटेंस था, चेक बुक हो जाएंगे आपके सॉल्व। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था, इमेजिन करा के आपको एक आपको बुक में लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, इफ द टू सब्सटेंसेस आर इन द सेम स्टेट, सर अगर सेम स्टेट में फिर कैसे पता लगाओगे, फिर कैसे पता लगाओगे सर, ये तो तब था इफ वो कॉम्पोनेंट जो थे वो डिफरेंट स्टेट्स में थे, वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में थे, वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में थे, अगर अगर वो आपके सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है, अगर सेम स्टेट में है फिर कैसे पता लगाओगे। तो अब देखो एक्सेस क्वांटिटी किसकी, एक्सेस क्वांटिटी एक्सेस प्रेजेंस किसकी है, एक्सेसिवनेस देखो कि ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है, जो ज़्यादा होगा हम उसको सॉल्वेंट होगा। सर इसका लॉजिक कोई है, ऑब्वियसली तो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कम को अंदर अपने अंदर डिजॉल्व कर पाएगा, जो ऑलरेडी कम है वो ज़्यादा को अपने अंदर थोड़ी डिजॉल्व कर पाएगा, जो बड़ी चीज होगी बड़ी चीज़ छोटे को डिजॉल्व कर पाएगी, छोटी चीज़ तो अपने अंदर बड़ी चीज़ को डिजॉल्व कर ही नहीं पाएगी, ये लॉजिक है, ये नेचुरल लॉ था। ये तो वो कह रहे हैं दो टू सब्सटेंसेस आर इन द सेम फेज, तो यहाँ पे भी लिखा ना इसके आगे, ये भी क्या है, ये हाउ टू फाइंड सॉल्व। ठीक है, तो कह रहे था कॉम्पोनेंट दैट इज इन एक्सेस, सर वो कॉम्पोनेंट जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दो, सर हमने सॉल्यूशन बनाया केस वन, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में लाया था, वाटर प्लस एल्कोहल। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने शुगर, एक हमने बनाया शुगर प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, अच्छा ये तो अलग ही दे रहा है, लिक्विड प्लस गैस ये तो अलग ही हो गया, सॉलिड प्लस अनदर सॉलिड तो अलग ही, ये तो बस ये तो कुछ नहीं कह रहा, ये कोई आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जांपल नहीं देता, ये तो बस बता रहा है कि सॉल्यूशन कैसे कैसे बन सकता है, तो सॉल्यूशन कैसे कैसे बन सकता है, तो वो कह रहा है सर लिक्विड को लिक्विड से मिला के सॉल्यूशन बना सकते हो, सॉलिड को सॉलिड से बनाकर सॉल्यूशन बना सकते हो, सर सॉलिड को लिक्विड के साथ मिलाकर लिक्विड को बना सकते हो, लिक्विड को गैस के साथ मिलाकर, यानी कि सर यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, अब आपको ये प्रूफ करना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपका लिक्विड यहाँ पे कहीं पर लिक्विड नहीं है ना, जरूरी नहीं कि लिक्विड ही आपका सॉल्वेंट हो, अदर मटेरियल के अलावा अदर मटेरियल्स भी, अदर सब्सटेंसेस भी हमारे सॉल्वेंट हो सकते हैं,
ठीक है। एसएस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूँ तो दोनों लिक्विड हैं, इन दोनों में आप सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करके बताओ, तो आप कह सकते हो सर आप मेरे को दोनों क्वांटिटी बता दो, क्वांटिटी बता दो, ये 10 ml है, ये क्वांटिटी 8 ml है, तो सर आपने जो सबसे ज़्यादा है जो इन एक्सेस है, जो एक्सेस है वो आपको सॉल्वेंट होगा, तो सर यहाँ पे एक्सेस वाटर है, तो वाटर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, वो कह रहा है होमोजेनियस हो, अभी होमोजेनियस हो, अभी होमोजेनियस सॉल्यूशन वाटर वगैरह की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन तो है, और जो होमोजेनियस कैसा है, होमोजेनियस सॉल्यूशन सॉलिड है, वो सॉलिड का वो सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन किसका है, सॉलिड का, किंतु अनदर सॉलिड इज कॉल्ड द सॉलिड सॉल्यूशन, वो कह रहा है आपने एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से मिलाया, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से, तो जो सॉल्यूशन बनेगा हम उसको सॉलिड सॉल्यूशन नाम देंगे, तो हम उसको क्या नाम देंगे, सॉलिड सॉल्यूशन नाम देंगे, ये वाले सॉल्यूशन था, ये क्या था, सॉलिड सॉल्यूशन था ये, ठीक है। कॉमन मेटल एलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशन, वो कह रहे हैं जो एग्जाम्पल कर देते, वो कह रहे हैं जो मेटल एलॉयज होते हैं ना, मेटल एलॉयज वो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, वो बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। एलॉयज मतलब होता है कॉम्बिनेशन, एलॉयज को मिक्सचर भी बोलते हैं, लेकिन एलॉयज में मिक्सचर हम कब बोलते हैं, जब दो सॉलिड्स मिलते हैं, और सब सॉल्यूशन का बोलते हैं दो लिक्विड, ठीक है। द गोल्ड यूज इन द गोल्ड यूज इन मेकिंग ज्वेलरी इज अ सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग गोल्ड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, वो कह रहा है हम गोल्ड और कॉपर एंड सिल्वर को मिलाकर ज्वेलरी बनाते हैं, यहाँ पर तीनों चीज़ें क्या हैं, तीनों चीज़ें क्या हैं, सॉलिड है पर फिर भी मिक्सचर तो बन ही रहा है ना, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, पर ये सॉलिड सॉल्यूशन है, क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, अब उन्होंने कुछ सॉल्यूशन के नाम बता दिया आपको, ब्रास, ब्रास इज सॉलिड सॉल्यूशन है जिसके अंदर 70% क्या होता है, 70% क्या होता है इसके अंदर, कॉपर होता है, 30% जिंक और 70% कॉपर मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं, फिर कॉपर एक्स एज द सॉल्वेंट, अब वो कह रहा है यहाँ पे कॉपर सॉल्वेंट है, जिंक सॉल्वेंट है, सर ये कैसे चला, ये कैसे चला, यहाँ से तो सेम स्टेट में तो कैसे पता लगाओगे, जो इन एफडी का ज़्यादा हो, तो यहाँ पे ज़्यादा कौन था, तो यहाँ पे ज़्यादा कौन था, क्वांटिटी ज़्यादा थी तो कॉपर, क्वांटिटी ज़्यादा थी तो कॉपर को क्या बना दिया, सॉल्वेंट बना दिया, ठीक है। आज सॉल्यूशन इज द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज अबाउट 10^-10 मीटर इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, ओके, फिर ट्रू सॉल्यूशन, फिर ट्रू सॉल्यूशन किसे बोलोगे, ट्रू सॉल्यूशन किसे बोलोगे, अभी तक हम डेफिनेशन ही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वो कर ऐसा सॉल्यूशन जिसका साइज, इन विच जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड का साइज, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स का साइज कितना हो, कम से कम कितना हो, लगभग कितना हो, लगभग कम से कम लगभग कितना हो, इतना हो, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल का साइज इतना है 10^-10 मीटर, तभी हम उस सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, लगभग इतना ट्रू, सर ऐसा क्यों, 10^-10 का मतलब हो गया बहुत सी बहुत 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 बड़ी वैल्यू ना, बहुत छोटी वैल्यू, और जब चीज़ें आप ट्रू सॉल्यूशन का बोले तो चीज़ें डिजॉल्व होकर बिल्कुल डिफाई ना दें, डिफाई ना दें, तो पावर पॉइंट से पावर माइनस में जो टेन है तो फिर वो पॉइंट जीरो 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 10 जीरो आने का उसकी वैल्यू आएगी, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू का जीरो, जब चीज़ें जीरो हो जाएंगे पानी में मिलकर तो हम इसको लेंगे ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। बिना ट्रू सॉल्यूशन का ट्रू सॉलिड पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर द माइक्रोस्कोप, ट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या, तो इतना छोटा हो जाना चाहिए पार्टिकल, वो सॉलिड पार्टिकल इतना छोटा हो जाना चाहिए, इतना छोटा हो जाना चाहिए, इतना छोटा कि आप उसको डिस्टिंग्विश ही ना कर पाओ, आप उसको पानी में से अलग ही ना कर पाओ, उसको सॉल्वेंट और सॉलिड को अलग ही ना कर पाओ, इवन अंडर माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप देख कर भी नहीं अलग कर पाओ, जब अलग नहीं कर पाओगे तब आप बोल पाओगे हाँ ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्यूट ये ढंग से डिजॉल्व हुआ, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। इन कॉमनली द टर्म सॉल्यूशन एक्चुअली मीन्स ट्रू सॉल्यूशन, तो वो कह रहा है जब हम कॉमनली सॉल्यूशन की बात करते हैं, कॉमनली जिस सॉल्यूशन की बात करते हैं हमारा मतलब ट्रू सॉल्यूशन से, हमारा मतलब क्या सर ट्रू सॉल्यूशन से, ठीक है, जनरली हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ते हैं आज इसके, फिर हम खत्म करते हैं आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ट्रू सॉल्यूशन की, और सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बात एक ही बात कह रहे हैं,
तो फिर होमोजेनियस मिक्सर है, होमोजेनियस मिक्सर है, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे सेम काइंड के होंगे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे बहुत 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 छोटे होंगे, लगभग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे ना, तभी तो हम चीज़ें दिखाई नहीं, तभी तो हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। के अंदर हम लाइट रिफ्लेक्ट, तो लाइट लाइट रिफ्लेक्ट, तो लाइट स्कैटर नहीं होती है, क्योंकि अगर लाइट स्कैटर हो रही है इसका मतलब है कि लाइट उन छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा रही है, अगर छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा रही है इसका मतलब हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो डिस्टिंग्विशेबल होने से ही नहीं होने नहीं होने चाहिए, तो नहीं कब होंगे जब लाइट भी उनको जब लाइट भी उसमें से पास ना हो पाए, लाइट भी मतलब उसमें से ऐसे ही निकल जाए, तो ऐसा होने से ही सोल्यूशन उसमें से ना हो। इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, आप उसे कंपोनेंट को किसी भी तरह से कोई भी प्रोसेस लगाकर अलग ना कर पाओ, फिल्ट्रेशन लगाकर आप अलग ना कर पाओ। सॉलिड पार्टिकल्स ना सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में वो नीचे जमने नहीं चाहिए, सेटल डाउन मतलब क्या, नीचे कलेक्ट नहीं होनी चाहिए, कभी कभी सर्फेस पर कलेक्ट हो जाते हैं तो नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होना। जितने मैंने बताई है ना जितने मैंने पढ़ा है उसमें से एग्जैक्ट फर्स्ट फर्स्ट आएगा एग्जैक्ट अच्छा लर्न कर लेंगे ओवर करते हैं।